रूपाली, आपका रुख कर रही हूँ। आपने संक्षेप में बताया कि किस तरीके से IVF और सरोगेसी का फर्क है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है मुझे। आप, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है डॉक्टर? बहुत अच्छे से नहीं, पर बताइए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि मैं ये समझना चाहती हूँ यहाँ पर कि IVF जो कराना चाहते हैं उनको कौन कौन से महत्वपूर्ण टेस्ट कराने चाहिए, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि IVF कितनी बार एक व्यक्ति या एक जो भी पेशेंट है वो करा सकते हैं। सबसे पहला पार्ट दैट इज कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए। जो हम टेस्ट कराते हैं IVF के लिए, वो दोनों के लिए होते हैं, एक यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कराए जाते हैं। बहुत कम ब्लड टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा जो हस्बैंड को कराना होता है वो एक बेसिक सीमन एनालिसिस और सीमन कल्चर होता है, जो एक बार लैब विजिट में खत्म हो जाता है। यूजुअली हम लोग अपने सेंटर में ही ये खुद टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें श्योरिटी हो कि जो हम सैंपल यूज कर रहे हैं। वाइफ के टेस्ट में सिर्फ एक मेन होता है अल्ट्रासाउंड, और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से कुछ टेस्ट हम महीने के दौरान करते हैं। तो हम अपने मरीजों को सिर्फ एक बार बुलाने के लिए कहते हैं कि आप सिर्फ महीने के दूसरे दिन आ जाओ, ताकि वो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एक ही बात में हो जाए। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं IVF करवाने के लिए। हाँ जी, बताइए जी। इसके अलावा जो मैंने पूछा डॉक्टर कि एक व्यक्ति कितनी बार IVF में जा सकता है, मान लीजिए कि पहला सक्सेसफुल नहीं रहा, दूसरा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो कितनी बार IVF करा सकते हैं? सो एज सच कोई लिमिट नहीं होता है, बट यूजुअली देखा गया है कि मैक्सिमम 3 बार या फिर 4 बार में जो प्रेगनेंसी रेट अचीव होने होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट आप 10 बार या 15 बार IVF करवाते रहोगे। अगर जो सक्सेस रेट देखे जाते हैं, हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट का मतलब है कि ओवर मल्टीपल साइकिल्स, तो वो हम यूजुअली 3 to 4 cycles में ही असेस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी पेशेंट के आप 10 cycles कर रहे हो या 15 cycles कर रहे हो तब जाके सक्सेस रेट, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, तो ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि लंबा वक्त लगता है। और ये भी बताइए कि कितना वक्त लगता है अगर IVF के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा हो, क्या किस तरीके का साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये परसेप्शन होता है कि चूंकि वक्त लंबा है, बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इस पर मैं ये कहूंगी कि आजकल धीरे धीरे जैसे टाइम चल रहा है, IVF की प्रक्रिया और पेशेंट फ्रेंडली होती जा रही है। शुरू शुरू में करीबन 10-12 साल पहले हम लोग लॉन्ग प्रोटोकॉल ज्यादा फॉलो करते थे, जिसमें एक एक महीना लग जाता था, 1.5 महीना लग जाता था। बट अब हम सिर्फ पेशेंट्स को 15 से 20 दिनों के लिए बुलाते हैं, जिसमें उनको 5 बार या 6 बार आना पड़ता है। एक बार सिर्फ एडमिशन होता है जो 6 घंटे का होता है, जिसमें उनको जनरल एनेस्थीसिया मिलता है। इसके अलावा एक बार उनको लॉन्गर स्टे के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम आना पड़ता है। तो कुल मिला के 15 से 18 दिन, 18 से मैक्सिमम 20 दिन का टाइम हम देते हैं पेशेंट को, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। कुछ केसेस में अगर मान लो पेशेंट में कुछ अबनॉर्मैलिटी निकल आती है, तो हाँ ये जरूर होता है कि हम फिर वो आधा साइकिल बाद में करते हैं। बट जो पेशेंट को घर से उठ के आना है, उसमें हम उनको आजकल ये नहीं बोलते कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी लो, बिल्कुल नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा उनको 4 या 5 बार बुलाते हैं शुरू में, उसके बाद एक बार एक दिन का जरूर एडमिशन जरूर होता है, उसके बाद 2 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर, और ट्रांसफर के बाद हम ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे छुट्टी देते हैं। उसके बाद अगर कोई भारी काम नहीं कर रहा है तो वो अपने ऑफिस में जाके ड्यूटीज ज्वाइन कर सकता है।